गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज मैंने सोचा ना कि आपके साथ मैं अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर कर देती हूँ। कुछ खास नहीं है, वही जो सबका मॉर्निंग रूटीन होता है वही मेरा भी है। मैं फ्रेश होने के बाद सबसे पहले ब्रश कर लेती हूँ और ब्रश करने के बाद मैं बाकी सारे जो मेरे काम हैं वो मैं कर लेती हूँ। सारे काम मुझे नहीं करने होते हैं, बाकी सारे काम मम्मी ख़त्म कर लेती हैं। तो सबसे पहले मैं एक कप पानी ले लेती हूँ, उसमें आंवला जूस डालती हूँ और उसे मैं स्लोली करके पूरा पी जाती हूँ। ये मेरे डेली रूटीन में शामिल है गाइस, क्योंकि आंवला जूस जो है ना उसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। ये आपके हेयर, स्किन, ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके बाद मैं अपने हेयर को खोल के और उसे अच्छे से अपने बालों को कोम कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं उसे डिटैंगल करती हूँ अपने हाथों के हेल्प से, अपने उंगलियों से सारे बाल की जो उलझन है उन्हें सुलझा के, फिर मोटे टूथ की कोम लेके उसे अच्छे से कोम कर लेती हूँ। एंड देन फिर पतले टूथ वाली कोम लेके उसे मैं पूरे स्कैल्प को कोम कर लेती हूँ। और उसके बाद मैं एक ढीली सी चोटी बना लेती हूँ ताकि बाल जो है वो मैनेजेबल रह सकें। और कल मैंने अपने बालों पे मेहंदी अप्लाई किया था तो, और फिर ऑयल लगा के छोड़ दिया था रात भर के लिए। उसके बाद फिर मैं क्या करती हूँ कि अगले दिन फिर इसे शैम्पू कर लेती हूँ। तो आज मैं इसे शैम्पू कर लूँगी और अभी मेरा कुछ काम जो मेरे हिस्से का रह गया है वो मैं कर ले रही हूँ ख़त्म। और कुछ बर्तन पड़े हुए थे वो मैंने धो लिए हैं और धो लेने के बाद मैं फटाक से जाके शावर ले लूँगी। और मैं ना मेहंदी लगाने के बाद एक रात को अपने पूरे बालों में अच्छे से ऑयलिंग करके उसे छोड़ देती हूँ ताकि जो बेनिफिट्स हैं ना मेहंदी के वो अच्छे से हमारे बालों में चले जाएं और वो मतलब बाल सॉफ्ट हो जाएं। सो अब मैं शावर लेके आ चुकी हूँ और पूरे बाल मेरे अभी गीले हैं। और अब मैं सबसे पहले अपने फेस पे अप्लाई करूँगी एलोवेरा जेल, जो कि मेरी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा और इसे हाइड्रेट करके रखेगा। और मुझे एलोवेरा जेल लगाना बहुत ही पसंद है क्योंकि इससे ना स्किन है वो बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट सी लगती है और जो भी दाग धब्बे वगैरह होते हैं, पिंपल्स के निशान होते हैं, वो हट जाते हैं। एंड देन मैं उसके बाद अपने हाथों पे और पैरों पे लगाऊंगी अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज़र, क्योंकि मॉइस्चराइज़र गाइस सिर्फ आपके फेस को ही नहीं चाहिए, मॉइस्चराइज़र आपके पूरी बॉडी को चाहिए, हाथों को भी चाहिए, पैर को भी चाहिए, क्योंकि इससे जो स्किन है ना वो बहुत ही ग्लोई बनी रहती है और सॉफ्ट सॉफ्ट सी बनी रहती है। सो यहाँ पे गाइस वीडियो एंड कर रही हूँ मैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल पे नए हो तो। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।